मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया जिले के दंदरोहा पहुँचे। उन्होंने यहाँ पर हनुमान नाम से प्रसिद्ध दंदरोहा सरकार के दर्शन कर श्रीमद् भागवत कथा में हिस्सा लिया। कथावाचक महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सहित उपस्थित संतों के द्वारा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आशीर्वाद दिया गया। डॉक्टर श्री मिश्रा ने कथावाचक महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और संतों को पुष्पमालाएं पहनाई। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री OPS भदौरिया, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त शैलेंद्र बरुआ, भिंड दतिया सांसद श्रीमती संध्या राय, भिंड जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कामना सुनील भदौरिया, दतिया नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशांत डेगुला, भाजपा जिला महामंत्री विपिन गोस्वामी, जिला मंत्री अतुल भूरे चौधरी सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भाजपा कार्यकर्ता श्रद्धालु जन मौजूद रहे। आदर्श न्यूज के लिए दतिया से पत्रकार डॉक्टर हरि मोहन दीक्षित की रिपोर्ट। इसका जवाब तो हमसे पहले ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री दे चुके हैं। एक हमारा शास्त्र ऐसा शास्त्र है, हनुमत कथा हो या भगवत कथा हो, आप किसी फिल्म के गाने को 4 बार 10 बार 12 बार से ज्यादा नहीं सुन सकते। किसी फिल्म के डायलॉग को, किसी नेता के भाषण को 2 बार 4 बार 10 बार से ज्यादा नहीं सुन सकते। लेकिन ये हनुमत कथा और ये भगवत कथा मेरे परदादा भी सुन रहे थे, मेरे दादा भी सुन रहे थे, मेरे पिता भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, मेरा बेटा भी सुन रहा है, और सबको हर बार नई लगती है। हर बार सुनने में वो आनंद आता है कि आत्मा आनंद विभोर हो जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो इसमें भी मीन मेक निकालते हैं। समाज के अंदर ऐसे लोग जिन्हें अमृतवाणी क्या कहूं, या अमृत ही हजम नहीं होता। हमारे यहां 4 चीजें ऐसी हैं, विषयांतर न समझे इसको, प्रसंग निकल आया अमृत का तो सुना रहा हूं, और उन लोगों ने से भी नहीं जोड़े जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। शहद है, शहद हमारे यहां विज्ञान के द्वारा भी और हमारे शास्त्रों में भी शहद को अमृत बताया है। लेकिन शहद को अगर कुत्ता चाट लेता है तो मर जाता है महाराज। देसी घी को हमारे यहां आयुर्वेद में, देसी घी को हमारे यहां गाय के घी को आयुर्वेद में और विज्ञान में भी अमृत बताया है। लेकिन मक्खी अगर उस पर बैठ के उसको खा ले तो मक्खी मर जाती है। जो हमारे यहां औषधि मिश्री होती है, मिश्री मीठी, मिश्री मावा जिसको बोलते हैं, ये मिश्री हमारे यहां औषधि में काम आती है, और आयुर्वेद में भी और विज्ञान में भी इसको औषधि बताया है, अमृत बताया है। लेकिन गधा अगर इसे खा ले तो मर जाता है। इसी तरह से हमारे यहां नीम को हकीम बताया है, नीम को हकीम बताया है, कौआ नीम के पेड़ पे ही रहता है। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।